चलो सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक. द प्रोसेस ऑफ एडमिटिंग गोज ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स एवरी क्लास. चलो let's begin the discussion. Last class, that is yesterday, we were discussing about relative motion, isn't it? So relative motion was what was being discussed last class. So relative motion mein humne dekha tha ki jitne bhi quantities hai, velocity, acceleration, position, displacement, in sab ke relative bhi hota hai. Aur relative kya hota hai na, unke object ke quantity, correspondingly object ke quantity minus corresponding observer quantity. Now, that's what the general trend is, isn't it? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वांटिटी अगर रिलेटिव निकालना है तो क्या करना है, उसके ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी में से है ना उसके ऑब्जर्वर की क्वांटिटी को माइनस करना. अगर v रिलेटिव चाहिए तो इन दैट केस v ऑब्जेक्ट माइनस v ऑब्जर्वर, a रिलेटिव चाहिए तो a ऑब्जेक्ट माइनस a ऑब्जर्वर, s relative चाहिए तो s object minus s observer and so on. So this is how we get all the quantities. ठीक है? ये हो गया एक general discussion on relative motion. ठीक है? अच्छा relative motion में basically होता क्या? Now physically speaking, relative motion means what? When a moving observer, I mean it might be stationary also, but अगर stationary है तब तो फिर relative का कोई sense नहीं बनता, तब तो motion ही होगा एक तरीके का. तो अगर मान लो एक मूविंग ऑब्जर्वर है ना, अगर एक मूविंग ऑब्जर्वर अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, क्योंकि चल रहा होगा, नहीं भी चल रहा होगा, यूनिफॉर्मली चल रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा होगा, जैसे भी चल रहा होगा, तो दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट वी कैटेगराइज एज रिलेटिव मोशन. ठीक है ना? तो रिलेटिव मोशन में क्या क्या आएंगे, तो वही पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लाइक नथिंग न्यू इन दैट. ठीक है? तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. जैसे कल हमने ओवरटेकिंग का किया था है ना, तो आज हम लोग एक सिमिलर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. एंड दैट इज, सपोज आई से ओके, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज दिस ए और ठीक है, और लेट अस से इसके इनिशियल एक्सेलरेशन है, मतलब इसका एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन है सपोज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये दिया हुआ है. इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसका वेलोसिटी कम है लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन कम. सो दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है, मान लो ये इनिशियल सेपरेशन, सो दिस इज द इनिशियल सेपरेशन. कितना है? इक्वल टू सपोज 200 मीटर्स. नाउ दैट इज द सिचुएशन गिवन. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए That is what the question is all about. Chalo, go ahead. Now try to solve. एक आंसर आ चुका है, वंश ने दिए हैं. What about others? I think I've given sufficient time. जो आंसर्स आए मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ. आंसर्स आए 175, 175, 25 and 125. These are the four answers that have come up.
ठीक है. Now let's analyze. Actually, देखो क्या हो रहा है, इसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा, उसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा. अभी फिलहाल तो ये स्लो है ना, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड है और इसका 20 है. यानी इस वक्त अगर देखोगे तो दोनों का सेपरेशन घटेगा, ठीक है ना. क्यों घटेगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम है, और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. तो द फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि दोनों के सेपरेशन मिनिमम कब होगा. नाउ दैट इज द की क्वेश्चन, इज दैट सेपरेशन इज मिनिमम व्हेन वेलोसिटीज आर इक्वल, है ना. क्योंकि देखो एक बार अगर इसका वेलोसिटी, एक बार अगर देखो डिस्टेंस कब तक रिड्यूसिंग रहेगी, डिस्टेंस तब तक रिड्यूसिंग रहेंगे जब तक इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है ना. ऑब्वियसली तो देखो जब तक इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा है तो डिस्टेंस रिड्यूसिंग मोड में होगा. उसके बाद क्या होगा, एक बार अगर इसका वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाए तो फिर तो ये और आगे मतलब निकलते जाएंगे, यानी दोनों का सेपरेशन फिर बढ़ने लगे. तो देखो अगर तुम इस क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से और अगर इसको ट्रैक करोगे, सेपरेशन वर्सेस टाइम को, लाइक सेपरेशन वर्सेस टाइम अगर ट्रैक करोगे तो देखना कुछ ऐसे है. इनिशियल कितना है 200, और देखना ये रिड्यूस करेंगे और किसी एक पॉइंट पे मिनिमम होगा और उसके बाद क्या होगा ना, आगे बढ़ जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड इन दिस केस. चलो तो सेपरेशन इज मिनिमम व्हेन वेलोसिटीज आर इक्वल, दैट्स द फर्स्ट. तो वेलोसिटी कब इक्वल होगा, आई थिंक खुद ही चेक कर लो. इसका वेलोसिटी 10 प्लस 4t, इसका 20 प्लस 2t, यानी 10 प्लस 4t शुड बी इक्वल टू 20 प्लस 2. दैट्स इट, यानी t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स. दैट्स इट, यानी 5 सेकंड बाद इनके सेपरेशन मिनिमम. ओके, तो एक काम करते हैं, 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, है या नहीं. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 10 into 5. नाउ व्हाई 10, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 20 - 10, है ना. तो दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी इनटू 5, ठीक है, प्लस हाफ इंटू -2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है. देख लो जस्ट, वाई -2, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्वर लिया है, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट लिया. क्या उल्टा एक काम कर लो, इसको ऑब्जर्वर ले लो और इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो भी चलेगा. इन दैट केस क्या हो गया, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा प्लस. इसको ऑब्जर्वर ले लिया, इसको ऑब्जेक्ट ले लिया, चलेगा ना. अगर ऐसे में करता हूं तो इन दैट केस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इक्वल टू -25. इसका मतलब सेपरेशन मिनिमम कितना हो गया, पहले तो 200 था और रिलेटिव -25 हो चुका है, यानी मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा 200 - 25, यानी इक्वल टू 175. बिल्कुल सही, यानी 175 वाले आंसर सही है. एक बार सर, ये माइनस क्यों करा, माइनस इसलिए क्योंकि खुद एक बार रियलाइज करो जरा, एक बार है ना, कि ये जो ये ऑब्जर्वर है ना, तो ये -25 जा रहा है, इसके मतलब क्या है, he has actually moved closer to the object by 25 meters. देखो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब कोई अगर उससे दूर जाता, माइनस का मतलब क्या हो गया, कोई उससे पास आता. तो देयरफॉर अब क्या हो गया ना, पहले 200 था सेपरेशन, उसमें से माइनस कर दिया 25, यानी कितना हो गया मैक्सिमम मिनिमम सेपरेशन कितना हो गया 175. इसके बाद एक्चुअली और बढ़ेगा, तभी मैंने ग्राफ बनाया ना. ये देखो ये होगा 5 सेकंड, ये टी इज़ 5 सेकंड पे इसका सेपरेशन हो जाएगा 175, और उसके बाद देखना फिर से बढ़ जाएगा. तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना.
चलो अक्सर तुमने 25 तो दिए, बट आई थिंक यू आर फाइंडिंग आउट द रिलेटिव डिस्टेंस. ठीक है, तो सेंस में ठीक था, वैसे कोई दिक्कत. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर यू यहाँ पे प्लस का 10 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर का करेंगे ना. ओ अच्छा अच्छा हाँ, मैंने मैंने इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दिया. तो वो तो कोई बात नहीं, मैंने शायद पहले ऑब्जर्वर इसको लिया था, उसके हिसाब से लिखा है ना. मैंने ऑब्जर्वर उल्टा लिख दिया, कोई बात. तो 10 और ये हो जाएगा हाफ ऑफ माइनस 25. मैंने ऑब्जर्वर उल्टा सोच लिया. सर ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर होता है. हाँ बेटे, ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर होता है ना. हाँ जी, ये देखो क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैंने ऑब्जर्वर चेंज किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया. ठीक है, मैंने ऑब्जर्वर इसको बनाया. ठीक है, दैट वाज द चेंज. सर हम इसमें सीधे बी को रेस्ट पे मान के भी कर सकते हैं. बस वही हो रहा है एक्चुअली. देखो अगर तुम इस तरीके से करोगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, वही बी को रेस्ट पे मानते ही मान के ही किया जाए. देखो ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर को हम रेस्ट मान के देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या मोशन चल रहा है. दैट इज व्हाट इज रिलेटिव मोशन. ठीक है ना, रिलेटिव मोशन का मतलब ही होता है कि ऑब्जर्वर को रेस्ट मान लो और उसके हिसाब से देखो ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है. ठीक है ना, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज. ठीक है, चलो तो एट 5 seconds दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो ऑब्वियसली अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 25 है तो उसको फिर माइनस करके हम आंसर निकालेंगे. ठीक है, that is what you are going to do in this particular question. ये था 1D motion. 1D motion में थोड़ा सा चीजें इजी हो जाती. अब मैं इसी को थोड़ा और आइडिया को एक्सटेंड कर देता हूं. एंड लेट अस से कि मिनिमम सेपरेशन है क्वेश्चन है, तो लेट अस से एक बंदा यहां पे, लेट्स से दिस इज 100 मीटर, लेट्स से दिस इज 40 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड से एक बंदा जा रहा है और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से एक बंदा जा रहा. दिस व्हाट इज गिवन. ठीक है ना, ये 100 है, ये 40 मीटर, ये भी गिवन है. क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम सेपरेशन. चलो गो अहेड, इस बार भी वही मिनिमम सेपरेशन निकाल कि दोनों के बीच में मिनिमम गैप क्या होगा. गो अहेड एंड फाइंड आउट. हवा में इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. ठीक है ना, इट्स जस्ट दैट वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. वो कैसे भी हो सकता है ग्राउंड पे हो सकता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, यू हैव टू गो एज पर द डेटा. चलो स्टार्ट करो. अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका भी है, वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा लंबा है, तो मैं पहले उसको हाईलाइट कर देता हूं, देन वी विल गो इनटू रिलेटिव मोशन एंड देन डू इट लिटिल बिट मोर स्मार्ट. ठीक है ना, विश्वास इज आल्सो गिवन आंसर ऑफ 35 मीटर. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो स्टैंडर्ड आंसर क्या है कि लेट अस से जो मिनिमम सेपरेशन है वो है सपोज आफ्टर टाइम, है ना. तो उस समय ये कहां पे होगा, ये होगा उस समय x कोऑर्डिनेट ऑफ 40 माइनस 3, है ना. इसका स्पीड 3 है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 3t, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 40 माइनस 3t. इसका स्पीड 4 है, तो ये कितना कवर करेंगे 4t, है ना. तो इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, तो दिस विल बिकम 100 माइनस 4 times t. ओके, अब ये हो गया इसका सेपरेशन. तो सेपरेशन को अगर मैं s लेता हूं तो सेपरेशन का स्क्वायर क्या होगा, है ना. 40 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस 4t का होल स्क्वायर. देखो जिस समय सेपरेशन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उस समय सेपरेशन का स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा. तो देयरफॉर अगर मैं इसमें स्क्वायर रूट लगाता हूं तो उसके डिफरेंशिएट करने में थोड़ा दिक्कत आए, इसलिए मैं ये प्लान कर रहा हूं, लेट्स मिनिमाइज s स्क्वायर.
तो अगर एस स्क्वायर को मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, यानी एस स्क्वायर जब मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली एस भी मिनिमम, उसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, टू इंटू 40 माइनस 3t इंटू माइनस, वो माइनस 3 के चक्कर, प्लस 2 इंटू 100 माइनस 40 इंटू माइनस, दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो आई थिंक 2 से तो कैंसिल कर ही देता हूं मैं, और थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो लाइक माइनस 120 प्लस 9 टाइम्स t माइनस 400 प्लस 16t, है ना, प्लस 16t हैज टू बी इक्वल टू 0। तो इससे ये निकल रहा है कि 16 प्लस 9 दैट इज 25t इज इक्वल टू 400 प्लस 120 यानी 520, यानी t आ गया 520 बाय 25 यानी इक्वल टू, है ना, तो 104 बाय 5 सेकंड्स। तो दिस इज द टाइम एट व्हिच द सेपरेशन इज मिनिमम, 104 बाय 5। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 104 बाय 5 पुट करेंगे, यहाँ पे 104 बाय 5 पुट करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे, नाउ आई एम राइटिंग इट एज दिस। तो ये सेपरेशन हो जाएगा 104 बाय 5 और 104 बाय 5 इन दोनों जगह पुट करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मिनिमम सेपरेशन। नाउ दैट्स व्हाट द प्लान इज, नाउ दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट, बट इसमें दिक्कत ये है कि यू नो लाइक वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये एक अप्रोच है, इस अप्रोच में कोई कमी नहीं है, इससे क्या करना, डिफरेंशिएट करके टाइम निकाला, टाइम को यहां पुट किया तो मिनिमम सेपरेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है ना, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू रिलेटिव, देखते हैं उससे क्या हो, है ना। तो अगर मैं इसको रिलेटिव से करता हूं, इन दैट केस अब अप्रोच बदल गया, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस मेथड, आई मीन देयर इज नथिंग मच इन दिस मेथड, प्रीटी इजी। अब इसमें कितना आएगा, लाइक दैट यू कैन वर्क इट आउट एंड गेट द आंसर। मैं इसको दूसरे अप्रोच से, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रेस्ट पे डाल देता, यानी इसको ऑब्जर्वर बना देता, ठीक है ना, एंड लेट्स फाइंड आउट वेलोसिटी रिलेटिव वेक्टर, लेट्स सी। तो वी रिलेटिव क्या होगा फिर, अब वी ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो माइनस वी ऑब्जर्व, यानी वी ऑब्जेक्ट क्या है ना, माइनस थ्री आई क्या, और माइनस वी ऑब्जर्वर इज माइनस फोर जी का, यानी माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जी, फिर सिंपल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर, तो ये कुछ ऐसे हो, तो दिस इज बेसिकली वी रिलेटिव का डायरेक्शन, है ना। अच्छा, इसको तो मैंने रेस्ट पे बना दिया ऑब्जर्वर को, ये हो गया वी रिलेटिव का डायरेक्शन, तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो मिनिमम सेपरेशन यहां पे होगा, दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन, है या नहीं। एक चीज और है, ये जो यू नो माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप है, इसका एंगल क्या होगा, ये थ्री है और ये फोर है, यानी ये एंगल हो गया 53 डिग्री, इसका फायदा उठाऊ, क्यों, क्योंकि जरा बताओ, अगर मान लो ये अगर वाई है, ठीक है ना, ये देखो माइनस थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ये माइनस थ्री ये फोर, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, मैं उस 53 डिग्री का फायदा उठा रहा हूं कि ये वाई आ गया, ठीक है। तो वाई कितना आ जाएगा, वाई अपॉन 40 इज इक्वल टू टेन 53 डिग्री, एंड दैट इज 4/3, तो इससे वाई आ गया एंड दैट इज इक्वल टू 160/3, तो ये आ गया 160/3, ठीक है। अब जरा देखो, अगर ये 160/3 आता है तो ये भी आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 160/3 का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो वो कॉमन नंबर लेके जो भी करने का। अच्छा, अगर ये 160/3 है तो ये कितना आ जाएगा, 100 - 160/3, है ना, तो यानी ये आ जाएगा 140/3। अब देखो,
ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहा है तुमको, जस्ट आई हैव अ लुक एट दिस टू ट्राइंगल्स, वन इज दिस दिस, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, है नहीं? तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल तो होगा सिमिलर। अब ये जो मिनिमम सेपरेशन है उसको मैं एल ले रहा हूं, ठीक है, मिनिमम सेपरेशन में मैं ले रहा हूं एल। अगर मैं ऐसे लेता हूं, इन दैट केस ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी और ई। तो इस केस में कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, ना देखो सी सी तो कॉमन है यानी लास्ट पे सी, और बी राइट एंगल है, यहाँ पे डी राइट एंगल, यहाँ पे डी और ये लास्ट पे ई। नाउ हाउ इज दिस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इस तरीके से है कि देखो अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीसी है, इन दैट केस आई कैन डेफिनेटली राइट एल यानी ए बी, ए बी बाई ए सी बाई ए सी एज ई डी बाई ई सी, है ना? तो ई डी, ई डी बाई ई सी, तो मैं वही फॉलो करूंगा। और वैसे भी और ये 37 डिग्री है, यानी कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना? एक तो सिमिलैरिटी से, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, देखो ये 140 बाई 3 है, ये 37 डिग्री है, ये कितना आ जाएगा, साइन से आ जाएगा, यानी साइन 53 डिग्री, सॉरी साइन 37 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू एल बाई 140 बाई 3, यानी दैट इज इक्वल टू 3 बाई 5 इज इक्वल टू एल अपॉन 140 बाई, That's it. इससे क्या होगा ना, L आ जाएगा, L क्या आएगा, sir 28 into 140 by 3 यानी equal to 28 meters, ठीक है ना? तो शुरू में कई सारे आंसर आए थे, 140 by 3 35 पे आया था, sir actual answer 28, अब देखिए सर अगर हमें इसमें टाइम पूछा होता तो फिर देखो टाइम वाला मामला अलग हो गया, है ना? टाइम वाला तो बहुत आसान है, वो तो पिछले क्वेश्चन से देखो कितना आसानी से निकल गया, बट अगर मान लो रिलेटिव सेपरेशन पूछा, नहीं सर, अगर हम टाइम भी इसी से निकालना चाहे तो रिलेटिव से ही नहीं निकल तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो वी रिलेटिव का वैल्यू आ चुका है, वी रिलेटिव कितना है ना 5 मीटर पर सेकंड, है ना? अच्छा अगर ये डिस्टेंस आ चुका तो ये और ये डिस्टेंस भी तो आ जाएगा ना, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होगा अगर हम जैसे मान लो आप, नहीं मैं बता देखो फिर से वही हो गया कि ग्रेविटी का रोल तो तब हम लेंगे ना जब हम यू नो वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन ले रहे। मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने सिर्फ लिया है वेलोसिटी, दैट्स इसको वर्टिकल मोशन के साथ लिंक मत करो, वर्टिकल मोशन तो अलग डिस्कशन, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन पे डिस्कशन हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस है और वेलोसिटीज दिया हो और कुछ, ओके सर ठीक है, ठीक है ना? मतलब मैं समझ गया तुम सोच रहे हो कि ये तो नीचे आ रहा है इसको तो एक्सेलरेशन में ले लो, नहीं, दोज आर नॉट थिंग्स दैट वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ठीक है ना? दैट्स सर अगर हम 4 मीटर पर सेकंड वाले को, सॉरी अगर हम 3 मीटर पर सेकंड वाले को रेस्ट पे करें तो भी आंसर सेम ही, मैं एक्चुअली उसी पे आना चाह रहा कि काम करो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व, ठीक है ना? कैसे करोगे, मे बी यू कैन डू इट एज होमवर्क, अभी ठीक है ना? कैसे करोगे, अब इसको ऑब्जेक्ट ले लो और इंटरचेंज करो, इन दैट केस एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करना इज दैट क्योंकि ये 100 है और ये 40 है तो जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर इंटरचेंज कर दिया। तो इस बार जो होगा ये एंगल है ना ये 53 था तो ये भी ऐसे होगा, तो तुमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। नाउ हियर यू हैव टू बी रियली केयरफुल, सबसे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन इस तरफ हो रहा है या इस तरफ हो रहा है। नाउ दैट इज समथिंग दैट यू टू बी रियली केयरफुल, अगर इस तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर यहां पे जाके परपेंडिकुलर वो सिमिलैरिटी थोड़ा अलग से ढूंढना पड़ेगा, है ना? कैसे, फिर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में सिमिलैरिटी ढूंढना पड़ेगा,
और अगर रिलेटिव मोशन ऐसे हो रहा है ना, अगर मान लो रिलेटिव मोशन ऐसे हो रहा है इस तरीके, क्यों इन दैट केस क्या होगा ना, सिमिलैरिटी के थोड़ा अलग तरीके से पढ़ें, तो फिर ये वाला ट्राइंगल है ना और ये वाला ट्राइंगल का सिमिलैरिटी, सो लाइक इट विल डिपेंड ऑन हाउ एग्जैक्टली यू आर सर्चिंग फॉर द सिमिलैरिटी, दैट्स द पॉइंट. ठीक है, देख लो अच्छे, मतलब तुम किसी को भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. डोंट थिंक कि इसको इस तरीके से करना पड़ेगा या उस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे कुछ. ठीक है, ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? इसमें जो एल लेंथ ली थी हमने, वो मिनिमम सेपरेशन कैसे हुई जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? यस सर. नहीं देखो एक्चुअली पता क्या है ना, रिलेटिव मोशन का विजुलाइजेशन का, रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक को तुमने रेस्ट पे बना दिया, अब उसके हिसाब से दूसरा ट्रैवल करता है, तो दूसरे ने कैसे ट्रैवल किया, तो हमने अभी तो मैंने मिटा दिया, बट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसको रेस्ट पे बना दिया क्योंकि इसको ऑब्जर्व बना दिया, तो दूसरा वाला बंदा जो है यू ट्रैवल किया, अगर इसको देखोगे ना तो ऐसे जाते हुए नजर आ रहा है, तो अभी तो दूर है, थोड़ा पास आया, पास आया, पास आया, पास आया, फिर से दूर चला जाएगा, यहीं पे सबसे मिनिमम डिस्टेंस, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. ठीक है, इसलिए वही हो जाएगा मिनिमम सेपरेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक बार देख लो. बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक काम करो, एक और क्वेश्चन कर ही लो, ठीक है ना, और इस प्रॉपर्टी होती है ना, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट होता है. हां जी, ऑब्वियसली, सो देयरफॉर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हमने वही शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि इस बार रिलेटिव मोशन से हमने क्या किया, उसका जो ओरिजिनल पाथ था वो था मोशन, हमने क्या किया उसको रिलेटिव मोशन में बदल दिया, तो एक दूसरे लाइन से जा रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यू विल गेट द आंसर, है ना. तो चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन कर लो फिर. अब मैं दे देता हूँ ऐसे, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो डिस्टेंस 60 मीटर, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये कर लो ये सपोज है 120 मीटर और इसका 3 मीटर पर, तो मैंने एक क्वेश्चन में डेटा जानबूझ के थोड़ा सा सिमिलर दिया है, सो दैट यू नो यू कैन लाइक क्विकली गेट फ्रॉम, ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर और 4 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर, गो अहेड, क्वेश्चन इज द सेम, ये 120 मीटर, 60 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट मिनिमम सेपरेशन, चलो गो अहेड नाउ. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. इस बार मैं अभी इसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, इसको ऑब्जर्वर बना देता हूँ और इसको ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी ऑब्जेक्ट माइनस वी ऑब्जर्वर, तो वी रिलेटिव हो जाएगा वी ऑब्जेक्ट विच इज 4 आई क्या माइनस वी ऑब्जर्व दैट इज माइनस 3 जे क्या, ठीक है ना, सो दैट्स व्हाट द रिलेटिव मोशन विल बी, सो दैट इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो अब तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, तो लाइक ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन, है ना, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज दिस, अगर ये देखोगे तो ये फिर से देखो क्या आ गया ना, इस बार 37 डिग्री, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री, है ना, तो ये हो गया मिनिमम सेपरेशन, अच्छा क्योंकि ये 120 है तो ये 60 है, ये 37 है, ये हो गया y, यानी y by 60 is equal to tan 37 which is 3 by 4, है ना, तो यानी y आ गया इक्वल टू 45 मीटर्स,
ओके शाश्वत सेंस की मैंने गलती से 80 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया, चलो कोई बात नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, नाउ लेट्स नॉट एडजस्ट दैट, ठीक है ना, जैसे वैसे रहने दो, तो देयरफॉर वाई आ गया 45 मीटर, ये 45 मीटर अच्छा अगर ये 120 है और ये अगर 45 है ना, तो 120 माइनस 45 राइट, यानी कितना आ गया फिर 75 मीटर यार, ये वाला जो पार्ट है वो 75 मीटर, देख अगर ये 75 मीटर आ जाए, ये 75 है, ये 53 डिग्री है, बस दैट्स इट, हो ही जाएगा, यानी एल बाय 75 है ना, एल अपॉन 75 is equal to sine 53 is equal to 4 by 5. That's it. And L is equal to 60 meter. Bilkul done. So now people are getting 60 meter all through. Ladit, Akshat, Vishwas, Shesh, ab sabke 60 meter aa. Theek hai na? Vansh initially got a slightly different answer. Shashwat also initially got a different answer. अब एक बार चेक कर लो और थोड़ा सा रीड्राफ्ट कर लो, चलो शाश्वत सेठ की मैंने तो इसको गलती से 80 लिया, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है 80 के हिसाब से तुम्हारा आंसर सही आ रहा होगा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मेन इश्यू इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट। चलो तो ये जो है ना रिलेटिव मोशन से जल्दी हो गया, अब अगर तुम इसको वो डिस्टेंस का स्क्वायर वगैरह उस तरीके से करना चाहते हो, यू विल डेफिनेटली गेट द सेम आंसर, बट आई थिंक थोड़ा सा लंबा मेथड होगा, तो आई थिंक लेट्स नॉट यूज दैट, आई मीन लेट्स यूज दिस वन, ठीक है ना, okay, so that was about your minimum separation in cases where objects are traveling along x and y axis like this, okay, chalo let's focus our attention next to cases where objects are being thrown inside a lift and the lift is also, let us say, accelerated. So let's see. जैसे ये हो गया lift. और मान लो lift का कुछ height दे देता हूँ. Now lifts are not very tall heights, I mean, but मैं तो ऐसे देने वाला हूँ, कुछ भी दे देता हूँ. Let's say 5 meter. So the lift is of height 5 meter, and let's say a person, okay, standing in the lift, I mean, and he's throwing a stone. Let's say at a height of 1 meter. This lift is accelerating upwards with 2 meters per second square. And this person throws this one with the speed of u. Yeah, with the speed of u. The question is, ye 1 meter diya. This is given as. देख लो अच्छा क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमम यू, ठीक है, या मैक्सिमम भी पूछ सकता हूं, चलो तो मैक्सिमम यू सो दैट द कॉइन ड्रॉप्स टू द फ्लोर without hitting the ceiling. Any question samjho? मैंने ऐसे throw कर दिया, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने बहुत तेजी से throw करूंगा तो क्या होगा, मैं ये सीधे जाके इसको हिट करेंगे, ये हो गया अगर बहुत तेजी से throw करूंगा, और अगर मैं बहुत ही हल्के से throw करूंगा तो दो क्या होगा, थोड़ा सा यूं जाएंगे और फिर फ्लोर पे आ जाएंगे, very much expected. तो question is कि यू कितना रखे मैक्सिमम, क्योंकि ज्यादा तेज करोगे, ज्यादा तेज करोगे तो छत पे हिट कर जाएगा, तो यू मैक्सिमम में कितना रख सकता हूं, सो दैट द कॉइन गोज एंड अवॉइड्स हिटिंग द रूफ एंड देन फाइनली ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर, दैट्स द क्वेश्चन, चलो गो अहेड, लावण्या हैज गिवन 4 root 5, नो चेंज्ड इट टू 4 root 6,
I think that's the same 4 root 96. I mean, sorry, root 96. I mean, chalo. Now, more or less, everybody is getting the answer as root under 96. Now, actually, why I'm raising this issue of without hitting the ceiling is because this sets some kind of a boundary. मान लो आंसर रूट अंडर 96 बहुत लोगों का आ रहा है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये करेक्ट. अगर मान लो ये करेक्ट है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि इससे ऊपर अगर वेलोसिटी दोगे इन दैट केस छत पे जाके हिट करे, और अगर इससे नीचे वेलोसिटी दोगे यानी इससे कम दोगे इन दैट केस क्या होगा, ना ग्राउंड पे यानी फ्लोर पे जाके हिट करे. और ये जो वेलोसिटी है बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, जस्ट छत को टच करके ये नीचे आता है. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू लुक एट. चलो लेट्स सी. तो मैं एज यूजुअल रिलेटिव मोशन ही फॉलो करूंगा. तो रिलेटिवली स्पीकिंग है ना, रिलेटिवली स्पीकिंग तो मैं इसको इस तरह से करूंगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मेरे पास ये इक्वेशन भी है ना, मेरे पास ये इक्वेशन भी है. तो देखो अगर जस्ट टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट टच अगर कर रहा है यानी उस समय रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा. नहीं मैट से क्यों, अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा बहुत है, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा बहुत है तब तो हिट कर जाएगा ना, है ना. और अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो यानी वो पहले से ही वो नीचे जा रहा है, यानी फिर वो ऊपर तक कैसे आ गया. यानी इस केस में हम लेंगे v रिलेटिव, u रिलेटिव और a रिलेटिव और s रिलेटिव. दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू. ठीक है चलो. तो मैं ऑब्वियसली फिर ऑब्जर्वर ले लेता हूँ लिफ्ट, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट. तो v रिलेटिव जीरो इज इक्वल टू u रिलेटिव, u रिलेटिव तो u होगा है ना. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लिफ्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, देयरफॉर u का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a रिलेटिव. ना हियर कम्स द क्वेश्चन कि मैंने जो है बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन अपवर्ड्स किया है पॉजिटिव, ऑब्वियसली मैं उसी के हिसाब से वर्कआउट करूंगा. तो ए रिलेटिव कितना हो जाएगा, तो ए रिलेटिव हो जाएगा बॉडी का माइनस 10, है ना. क्यों, क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से. तो ऑब्जेक्ट का हो गया माइनस 10 माइनस लिफ्ट का पॉजिटिव है तो प्लस 2. ये हो गया ए रिलेटिव. ठीक है. और एस रिलेटिव क्या होगा, s relative is what? Now the body has traveled how much? 4 meters. So it has traveled how much? 4 meters. ये ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है? यानी plus 4. क्योंकि relative to the lift, the body has traveled upward 4 meters. क्यों? क्योंकि lift का height 5 meters है, ये 1 meter है, तो यानी इसने कितने travel किया? 4 meters travel किया. So therefore, u square is equal to माइनस 10 माइनस 2 यानी माइनस 12. ठीक है ना, माइनस 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 यानी 96. यानी u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 96. यानी इससे ये पता चल रहा है कि अगर u का वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 96 है, मीटर पर सेकंड है, तो क्या होगा, ये हिट्स द सीलिंग. सर हाँ जी, तो इसमें हमने v रिलेटिव जीरो क्यों लिया सर, कुछ जिस टाइम के बाद ये आएगी नीचे ग्राउंड पर, सर इस पर लिफ्ट में, तो सर उसके बाद लिफ्ट की तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना. नहीं देखो मैं ये कह रहा हूँ कि लिफ्ट का वेलोसिटी होगा, लेकिन अगर मान लो जस्ट छू के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस समय लिफ्ट का वेलोसिटी और पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा. ये मैंने तो v रिलेटिव जीरो कर रहा हूँ, v जीरो नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव जीरो. अच्छा चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि उस समय लिफ्ट 2 meters per second से जा रहा है और पत्थर जा रहा है लेट्स से 7 meters per second से, यानी रिलेटिव वेलोसिटी है सपोज, तो फिर वो वहां से वापस क्यों आएगा, फिर तो वो जाके हिट करेगा, है या नहीं. तो देयरफॉर अगर मान लो उस समय लिफ्ट का वेलोसिटी कुछ है, मान लो 2 meters per second, 3 meters per second कुछ भी, और अगर मान लो पत्थर का वेलोसिटी अभी उसके बराबर नहीं हुआ, लिफ्ट के बराबर मान लो थोड़ा ज्यादा है, फिर तो जाके वो हिट कर रहा है ना. अच्छा अगर थोड़ा कम है तो यानी क्या होगा ना, ऑलरेडी सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमने तो ये अज्यूम किया ना जस्ट टच करके वापस आ रहा है,
तो यानी क्या होगा, उस समय के वी रिलेटिव जीरो होगा। वी किसी का भी जीरो नहीं है, ना लिफ्ट का उस समय जीरो है और ना ही उस समय पत्थर का जीरो है, लेकिन इस समय वी रिलेटिव जीरो हो जाए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और सर ये सारी चीजें जिसमें हमने रिलेटिवली विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ली है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ली है। नहीं देखो, मैंने ऑब्जर्वर लिफ्ट को बनाया है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर लिफ्ट को बनाया है, ठीक है। और एक सेकंड, एक्चुअली मैम इज आस्किंग व्हाट सम अटेंडेंस। चलो एनीवे, इस बार हमने लिफ्ट को ऑब्जेक्ट लिया है, सॉरी ऑब्जर्वर लिया है और पत्थर को ऑब्जेक्ट लिया। कमिंग टू दैट क्वेरी कि वो वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव जीरो इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि मान लो अगर लिफ्ट कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और अगर पत्थर अभी भी कुछ उससे ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, यानी वो तो जाके हिट करेगा लिफ्ट को, विच इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस, है ना, विच इज जस्ट टचिंग एंड कमिंग। इसलिए हमने वी रिलेटिव उस वक्त जिस समय टच करके वापस आ रहा है उस समय का रिलेटिव सी। तो ये तो समझ गया सर मैं, ये पूछा जैसे आपने ऑब्जर्वर लिफ्ट को लिया और ऑब्जेक्ट वो बॉल को लिया जिसको हमने थ्रो किया है, तो सर जैसे इसमें आपने लिए पोजीशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज प्लस फोर, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, मेरे को इस चीज में कंफ्यूजन होती है कभी कभी, जब हम ऑब्जर्वर चूज करता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलता कि जो ये है ये प्लस फोर होता है, कभी कभार बीच में माइनस भी होता है सर। अच्छा देखो, इस केस में मैं थोड़ा सा इजी कर दूं, अब सुनो अच्छे से। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? लिफ्ट का मतलब एक बंदा बैठा हुआ है, मान लो यहाँ वो देख रहा है, वो अभी कहाँ देख रहा है इसको, इनिशियली यहाँ। तो यानी अगर तुम बेस को अगर रेफरेंस ले लो तो अभी कहाँ देख रहा है पत्थर को, एक मीटर दूर। यानी समझो, याद करके देखो, मैंने बताया था कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने का एक तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। एक और तरीका भी है, क्या? फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन फाइनल, रिलेटिव पोजीशन इनिशियल, और दोनों को माइनस करो। याद करके देखो, मैंने ये तरीका बताया था और ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं लिफ्ट के बेस पे बैठा हूं और अगर तुम मेरे से पूछोगे, या अगर मैं बैठा हूं लेट्स ऑब्जर्वर और मेरे से पूछोगे इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक मीटर ऊपर। ये हो गया इनिशियल रिलेटिव पोजिशन। थोड़ी देर बाद जब पत्थर यहाँ पे जस्ट पहुंच गया, मतलब इन द सेंस कि लिफ्ट को जस्ट टच करके वापस आने वाला, वो हो गया फाइनल रिलेटिव पोजिशन। तो फाइनल रिलेटिव पोजिशन क्या हो गया, 5 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है। तो अब एज एन ऑब्जर्वर मैं कैसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा, फाइनल रिलेटिव पोजिशन माइनस इनिशियल रिलेटिव पोजिशन। तो फाइनल रिलेटिव पोजिशन क्या होगा, 5। कितना गया है यहाँ से लिफ्ट के रिलेटिव, 4 मीटर। तो दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग। क्योंकि फिर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ना यूं जाके वापस आते, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। चलो तो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ लिफ्ट के ऊपर, मे बी दैट विल हेल्प। सपोज इस बार लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है मैंने 14 मीटर पर सेकेंड, सेम बंदा 1 मीटर 5 मीटर, सब कुछ सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द यू मैक्स। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या है, फाइन U max so that the stone
its roof. Go ahead. इस बार लिफ्ट का दे रखा है, यानी एक तरह से तो क्वेश्चन सिमिलर, वो नीचे आरोग्य बना रखे सर 1 मीटर के ऊपर, नहीं क्योंकि मैंने इसको थ्रो किया नीचे की तरफ। अच्छा सर, नीचे की तरफ थ्रो करा है। हाँ जी, चलो अ क्विक आंसर हैज कम फ्रॉम वंश, व्हाट अबाउट अदर्स? One just change the answer to root 8. Ishita 4 root 2. She's 2. Through 4 root 2. Once initially gave 4 root 2 and so on. Chalo, Dhruv has also given the answer as 4 root 2. Shashwat Tiwari 4 root 2. So, lagbhag sab logon ne is bar 4 root 2 answer kiya. अच्छा, इस बार एक चीज सरप्राइजिंग है, इज दैट यू माइट से कि ये कैसे हो सकता है कि हमने पत्थर नीचे फेंका है और वो जाके रूफ को हिट करेगा, ये कैसे हो सकता है? तो लाइक दैट कुड बी अ नेचुरल क्वेश्चन। एक्चुअली इस बार क्या है ना, लिफ्ट का एक्सेलेरेशन देखो जी से भी ज्यादा है, यानी समझो अगर मैं इस पत्थर को सिर्फ ड्रॉप कर दूं, इस एस्पेक्ट को थोड़ा समझो, अगर मैं पत्थर को सिर्फ ड्रॉप कर दूं ना, ये मत सोचो कि पत्थर नीचे जाके हिट करेगा, पत्थर ऊपर जाके हिट करेगा। सीमेंट सारे ड्रॉप करने पे ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर रिलेटिवली जाएगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट इज कमिंग डाउन टू फास्ट। तो देयरफॉर एक्चुअली पता क्या होगा, अगर मैं सिर्फ ड्रॉप कर दूंगा, अगर मैं यहां पे सिर्फ ड्रॉप कर दूंगा तो क्या होगा कि अभी लिफ्ट का पोजिशन है, पत्थर यहां पे है, अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा तो पता क्या होगा, ये नीचे आना शुरू करेगा, तब तक लिफ्ट यहां पे आता है। यानी समझो पत्थर तो इतना गया और लिफ्ट इतना जाएगा। नहीं से ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस बार लिफ्ट का एक्सेलरेशन ध्यान से देखो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी ये जी से भी ज्यादा है। यानी लिफ्ट को कोई खींच के लेके नीचे जा रहा है, समथिंग लाइक दैट यू कैन इमेजिन। चलो वो तो एक अलग इमेजिनेशन है, तो दैट्स हाउ दिस टाइम इट्स गोइंग टू हैपन। बाकी क्वेश्चन सेम है। तो मैं एक और काम करता हूं, इस बार मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेता हूं पॉजिटिव, दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड द अदर इज दैट लिफ्ट को एज यूजुअल हम ले रहे हैं ऑब्जर्व, कोई दिक्कत नहीं। तो वही इक्वेशन होगा, वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस टू ए रिलेटिव इन टू एस रिलेटिव, यानी वी रिलेटिव तो एज यूजुअल जीरो स्क्वायर। अच्छा यू रिलेटिव क्या है, है ना, यू रिलेटिव तो निकालना है। चलो यानी यू रिलेटिव स्क्वायर प्लस टू इंटू, नाउ एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है इस बार, क्योंकि यू नो इस बार मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ठीक है ना, तो 10 हो गया। माइनस क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बोलते लिफ्ट, तो लिफ्ट का एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड और 14, यानी 10 माइनस 14 इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस बार क्या होगा ना, इस बार ये यहां पे जाएगा और यहां से यहां गया है ना, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 1 ही मीटर गया है ये, ठीक है ना, ओनली 1 मीटर, माइनस 1 नहीं होगा एक्चुअली, क्या ना है तो माइनस 1 ही, लेकिन इस बार मैं प्लस 1 इसलिए क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, ठीक है ना। अगर मान लो तुम फाइनल लीडर पोजीशन बोलोगे तो जीरो, और अगर मान लो इसको फ्लोर मानते हो तो फाइनल लीडर पोजीशन जीरो, माइनस इनिशियल हो गया माइनस 1, तो इसलिए वो प्लस 1 हो। अच्छा एक और तरीका विजुलाइज करने का इज दैट कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और अगर लिफ्ट के हिसाब से अगर देखोगे तो नीचे ही तो आया 1 मीटर, यानी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही हुआ यानी पॉजिटिव ही हुआ, तो देयरफॉर इट विल बिकम इक्वल टू 1, यानी इस बार
क्यू रिलेटिव का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो होगा माइनस फोर एट, यानी अंडर रूट ऑफ एट यानी फाइनली हुआ क्या, फाइनली ये हुआ कि अगर अंडर रूट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो जस्ट लिफ्ट को टच करेगा फ्लोर पे और उसके बाद लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज टू हाई। सर हमें कैसे पता ऊपर ही जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जाके वी रिलेटिव जीरो हुआ है, यानी इस वक्त जाके v रिलेटिव जीरो हुआ, यानी इसके बाद एक्सेलरेशन तो लिफ्ट का ज्यादा है ना, तो लिफ्ट और तेजी से नीचे जाएगा, पर ये उतना तेजी से नीचे नहीं जा पाएगा, तो देयरफॉर क्या होगा, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अब वो ऊपर चढ़ने लगेगा। ओवरऑल तो नीचे ही जाएंगे, ओवरऑल तो नीचे ही जाएंगे, लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर, क्योंकि इस वक्त मैंने u रिलेटिव जीरो, सॉरी v रिलेटिव जीरो होना चाहिए, जरूरी क्यों? देखो वही मैंने बोला ना कि लेटेस्ट से वी रिलेटिव जीरो नहीं है, चलो ठीक है, लेटेस्ट से वी रिलेटिव उस समय 1 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मान लो जिस वक्त पार्टिकल 1 मीटर कवर करके जस्ट फ्लोर ऑफ द लिफ्ट पे पहुंचा है, अगर उसका वी रिलेटिव अभी भी 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स है, फिर तो जाके हिट कर रहा ना वो, तो फिर तो हिट कब नहीं करेगा ना, जब वी रिलेटिव जीरो हो जाएगा तब क्या होगा ना, जस्ट जाके हल्का सा टच टाइप का समझ लो और फिर वापस आ जाएगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस। ओवरऑल अगर देखोगे तो हमेशा नीचे ही जाएगा, ओवरऑल अगर देखोगे तो नीचे ही जाएगा, लेकिन लिफ्ट को टच किया जिस समय, उस समय दोनों का वेलोसिटी जस्ट बराबर हुआ है, लिफ्ट का और पत्थर का, उसके बाद पत्थर का वेलोसिटी 10-10 करके बढ़ेगा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव नहीं, अब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन लिफ्ट का क्या है, 14-14 करके बढ़ रहा है, तो देयरफॉर अगर मान लो उसने जस्ट लिफ्ट पर टच किया, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी जस्ट बराबर हुआ, यानी वी रिलेटिव जस्ट जीरो हुआ, उसके बाद लिफ्ट और तेजी से नीचे जाएगा और ये थोड़ा हल्का सा नीचे जाएगा, मतलब इन द सेंस के थोड़ा कम तेजी से नीचे जाएगा, यानी कि लिफ्ट और पत्थर में गैप होना शुरू हो जाएगा और इसलिए लिफ्ट पत्थर जो है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऊपर चला जाएगा। हाँ, बोलो। जो आप कह रहे हो कि लिफ्ट की जैसे वो जो बॉल है वो जाके हिट करेगा अगर वी रिलेटिव जीरो नहीं हुआ, जस्ट टच करेगा। हाँ, अब बोलो। तो ये बात दोबारा बताओ, जो अभी भी आपने बोला था ना ये जाके हिट करेगा, वी रिलेटिव जीरो नहीं होनी चाहिए, सॉरी जीरो होनी चाहिए, ये वाला दोबारा बताना। नहीं, मैंने बोला वी रिलेटिव जीरो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे मान लो तुमने रूट 8 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर, तो यानी इस वक्त लिफ्ट तो जीरो पे जा रहा है, तो लिफ्ट जस्ट चलना शुरू करेगा, तो लिफ्ट का वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी ऑलरेडी है रूट एट, चलो इसको रूट एट नहीं लेता, मान लो मैं 20 ले लेता, रूट एट में तो कैलकुलेशन बताना मुश्किल है ना, तो रूट एट सॉरी 20 अगर इनिशियल है लेट से, तो एक सेकंड बाद इसका क्या होगा 30, लिफ्ट का एक सेकंड बाद क्या होगा 14, दो सेकंड बाद इसका क्या होगा 40, लेकिन लिफ्ट का क्या होगा 28, क्योंकि लिफ्ट का तो एक्सेलरेशन 14 है, तो 3 सेकंड बाद इसका क्या होगा, है ना, क्योंकि 20 से स्टार्ट किया लेट से, तो 3 सेकंड बाद इसका 50, इसका 3 सेकंड बाद वेलोसिटी का 42, यानी लिफ्ट का तेजी से बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे वक्त आए कि जब ये पत्थर जस्ट लिफ्ट को टच कर रहा है और लिफ्ट का वेलोसिटी और पत्थर का वेलोसिटी उस समय सेम हो, उससे क्या होगा ना, उसके अगले ही मोमेंट पे लिफ्ट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, पत्थर का वेलोसिटी नीचे की तरफ कम होगा, यानी क्या होगा, अब इन दोनों में गैप बढ़ना शुरू हो जाए। That is what is physics. आपने भी बोला ना कि पत्थर की वेलोसिटी फिर लिफ्ट के अचानक से बढ़ेगी और पत्थर की कम बढ़ेगी, वो क्यों? नहीं, अचानक से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पत्थर का तो इनिशियल वेलोसिटी है, लिफ्ट का तो है ही नहीं इनिशियली, तो देयरफॉर पत्थर इनिशियली लिफ्ट के करीब जाएंगे, लेकिन लिफ्ट का वेलोसिटी और तेजी से बढ़ रहा है, यानी क्या होगा, इनिशियली देखो ऐसे होगा, लिफ्ट तो रेस्ट पे है इनिशियली, तो पत्थर ऐसे जाएंगे, तो देखो लिफ्ट के करीब चला जाता, लेकिन लिफ्ट का वेलोसिटी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये स्टेज आया जब पत्थर ने लिफ्ट को जस्ट टच किया और उसके बाद पत्थर का वेलोसिटी 10 बढ़ेगा लेकिन लिफ्ट का वेलोसिटी 14 बढ़ेगा, तो देयरफॉर क्या होगा, देखो आप गैप बन जाएगा, उसके बाद देखो गैप बन जाएगा, यानी जस्ट टच करना अगर है, यानी क्या चाहिए,
दोनों का वेलोसिटी जस्ट बराबर कर, उसके आगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, क्योंकि पत्थर का वेलोसिटी कम रेट से बढ़ेगा, 10-10 के रेट से बढ़ेगा पत्थर का, क्योंकि वो जी से बढ़ रहा है, और लिफ्ट का वेलोसिटी 14-14 के रेट से बढ़ेगा। ये एक्चुअली इसके अंदर जो मेन इवेंट है, सर पहले भी 10-10 से ही बढ़ रहा था ना, पत्थर का पहले 10-10 से बढ़ रहा था, लेकिन पत्थर को एक एडवांटेज क्या था, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था, इसलिए इनिशियली वो लिफ्ट के करीब जा रहा था, लिफ्ट मतलब लिफ्ट के बेस के करीब जा रहा था, लेकिन इतने देर में लिफ्ट का भी स्पीड बढ़ रहा है और थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो टच एंड गो वाले में क्या होगा, ना दोनों का वेलोसिटी जस्ट बराबर हो जाए और वो जस्ट टच कर जाए, यही पॉइंट। उसके बाद लिफ्ट सर अगर हम ड्रॉप करते हैं तो फिर वो आएगा ही नहीं नीचे, ऊपर ही चला जाएगा। अगर तुम ड्रॉप करोगे तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वो एक्चुअली जो है ना ऊपर चला जाए, क्यों? अच्छा। क्योंकि अगर ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी ना लिफ्ट का है ना पत्थर का है, एक सेकेंड बाद लिफ्ट का वेलोसिटी 14 हो जाएगा, पत्थर का वेलोसिटी 10 होगा, यानी वो कम नीचे जा रहा है, लिफ्ट ज्यादा नीचे जा रहा है, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो फिर पत्थर ऊपर चला गया ना, तो अगर ड्रॉप करोगे तो पत्थर रिलेटिवली सीधा छत पे चला जाएगा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो सर हमको बेस से टच करवाना है, वो है मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर तुम बेस को हिट ना करना चाहो, तुम बोलोगे कि मैं तो इससे भी ज्यादा तेज दूंगा, इससे ज्यादा तेज दोगे तो पता क्या होगा, वो जाके लिफ्ट बेस को हिट कर दे, तो ये वो बाउंड्री लाइन केस है, रूट एट जब वो जस्ट टच कर रहा है, यानी अगर तुम रूट एट से ज्यादा दोगे, अगर वो हिट करता है फ्लोर को तो क्या दिक्कत है, मतलब हिट करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, हिट करके भी तो ऊपर जा सकता है ना, समझे नहीं, हिट करने का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हिट करने से क्या होगा ना, फिर वो सारा डिस्टर्ब हो गया, फिर तो तुम इक्वेशन से नहीं निकाल पाओगे ना कि पत्थर रूफ को कब हिट करेंगे, वो चीज है। और अगर मान लो वो हिट नहीं करता है, जस्ट टच करके आ जाता है, इन दैट केस क्या होगा, तुम आराम से अब रूफ का कैलकुलेशंस कर सकते हो। सर मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है ना, नहीं नहीं हिट करने में दिक्कत पता है क्या, हिट करके बहुत कुछ हो सकता है, अगर मान लो ये हिट करना मतलब कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद तो बहुत कुछ होता है, कई बार तो कोलिजन में ऐसे भी होता है कि वो जाके वहीं चिपक गया, वो तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन के ऊपर, है ना, ये चीज। अगर हम इसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें तो कैसे अपीयर करेगा ये? देखो ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो यही ऑब्जर्व होगा, ये वाला कि देखो ये भी नीचे जा रहा है, और अच्छा ये तो खैर पिछले वाले का था, इस बार का अगर ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्व करोगे तो देखो ऐसा है, ये ऐसे हो गया इनिशियल, फिर ऐसे ये, और उसके बाद ये अगर रूट एट से थ्रो करोगे तो, रूट एट से थ्रो करोगे तो ये अब ऐसे हुआ, और उसके बाद ऐसे, यानी देख रहे हो लिफ्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर, पत्थर यहां से तो यहां कवर किया, क्यों? क्योंकि पत्थर के पास एक एडवांटेज, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद देखो पत्थर कम डिस्टेंस कवर कर रहा और लिफ्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा, ये चीज क्यों? क्योंकि लिफ्ट का वेलोसिटी तेजी से बढ़ रहा है, पत्थर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो कुछ ऐसे नजर आएगा, ये कब? अगर रूट 8 मीटर पर सेकंड से करोगे तो जस्ट टच करेगा, जस्ट टच। सर जो ग्राउंड फ्रेम है सर उसके रिस्पेक्ट में जो बॉल है सर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में? ग्राउंड फ्रेम में तो 10 है, ठीक है सर, है ना, वही जी का वैल्यू, मतलब 10 मतलब मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके बताया, अगर अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो -10 है, तो ऐसे तो लिफ्ट भी फिर -14 हो जाएगा, है ना, अगर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। चलो आई थिंक वी हैड अ यू नो डिसेंटली गुड डिस्कशन ऑन द वे यू नो एलजी ग्राफ क्या होगा, किसका सर? इसी मोशन का एसटी ग्राफ, नहीं एसटी ग्राफ तो ठीक है, मतलब एस रिलेटिव का ग्राफ पूछ रहे हो? यस सर। हां तो एस रिलेटिव का ग्राफ ऐसे होता है, अगर अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ओके सर, हां, और ये हो गया 1 मीटर, अगर रूट 8 मीटर पर सेकंड से थ्रो करोगे तो रूट 8 मीटर पर सेकंड से थ्रो करोगे तो ये हो गया 1 मीटर, ठीक है ना, यानी 1 मीटर ट्रेवल किया और उसके बाद वापस आ। सर अगर इसकी उल्टी कन्वेंशन लेंगे तो फ्लिप हो जाएगा बस? हाँ वो तो अपने आप फ्लिप कर लो, है ना, अगर मान लो डायरेक्शन को पलट दोगे तो, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टाइम फॉर, तो वी हैड अ गुड डिस्कशन ऑन द लिफ्ट केस, आई मीन आई होप वो डिस्कशन से थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन जो भी चाहिए था आई होप वी हैड इट, सो लाइक वी विल कैरी ऑन नेक्स्ट क्लास देन, ठीक है। वेल यस हैज आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन इज दैट उटिंग द फ्लोर, ठीक है ना, तो इन दैट केस एक तरीका तो बहुत आसान है, बस छोड़ दो,
तो वो रिलेटिवली सीधे रूप पे चला जाएगा। और अगर हम नीचे थोड़ा सा हल्का सा वेलोसिटी से फेंकेंगे तो भी पॉसिबल है, पर ज्यादा तेजी से फेंकूंगा तो नीचे जाके कोलिशन हो जाता है। तो अगर मुझे वो कोलिशन अवॉइड करके रूफ तक पहुंचाना है तो मैक्सिमम फिर इतना वेलोसिटी दे सकते, दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना? हाँ, कोई और भी कुछ पूछ रहे थे? सर, ये ग्राफ जो बनाया ये समझाना, जो आपने पीछे एस टी कर्व बनाया है रिलेटिव, ये है एस रिलेटिव टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो देखो क्या हो रहा है अभी, देखो डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस वन हुआ और फिर जीरो हुआ, फिर माइनस में चला गया क्योंकि ओरिजिन इसको माना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर यू नो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्लस वन मीटर क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस वन मीटर, फिर जीरो और फिर चला गया। तो रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ मैंने पहले बोला इज दैट पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए कोई टेंशन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पकड़ो और उसको ऊपर नीचे कर दो, तुम चाहे ऑब्जर्वर यहाँ रखो यहाँ रखो वहां रखो, उस हिसाब से बस ऊपर नीचे कर, और कुछ ठीक है ना, वो तो अपने आप कर सकते है ना। चलो तो फिर आज यहीं पे खत्म करते हैं, वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन टुडे, गुड है, ऐसे डिस्कशन होता रहना चाहिए, तब जाके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा अच्छा होता। चलो ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय बाय।